मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। मालदीव्स जो है वो इतना बर्बाद हो चुका है कि अब वो एक बार फिर से भारत से मदद मांग रहा है। आखिर वो मदद क्या मांग रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। चीन के जाल में फंसकर मालदीव को ये एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। चाइना फलाना तो चाइना ढिमका, इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव्स, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो। और अब मालदीव भारत की दोस्ती के लिए तरस रहा है। मालदीव चाहता है कि भारत के साथ उसकी नजदीकी बने और उसके टूरिज्म सेक्टर पर जो आपदा आई है वो उससे उभर पाए। दरअसल मालदीव के जो टूरिज्म एसोसिएशन है उन्होंने भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव जाना ना छोड़े। मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग जाहिर है परेशान है, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इशू चल रहा है, तो लेकिन मालदीव्स उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है, ये बात भी किसी को भूलना नहीं। उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का, क्योंकि भारतवासियों ने अब बोल दिया कि हम नहीं जा रहे मालदीव्स, तुम जाओ ऐश करो। तो दोस्तों मालदीव्स के ऊपर बड़ा शदीद जिसको कहते हैं ना प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा प्रेशर, उनकी इकोनॉमी को थप्पड़े पड़ रही है वहां पे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खतरे में। ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूं इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन, बट क्या किया जाए, अब सियासत होती ऐसी है। और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव को एक बड़ा नुकसान इसका होगा। हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स, तो वो मार्केट अगर उनकी खत्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको, और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है, आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये तीन जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और फिर लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव्स के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज आवर बिग नेबर और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो है वो उनके इंटरेस्ट में है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है किसी भी, खासतौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी वो क्या कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल हो तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक जुबान अपनी जगह कुछ होती है, यू कांट यूज सर्टन वर्ड्स इन द पब्लिक, पता नहीं, आई डोंट नो, बेहूदा बातें हैं। तो सर इससे पहले हमने देखा कि जब कनाडा और इंडिया के बीच जो एक डिस्प्यूट था उसके ऊपर, हालांकि कनाडा तो मालदीव से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, एक बड़ा कंट्री और कनाडा की अपनी एक वो है से, लेकिन इसके बावजूद कनाडा को भी बार बार कई मौके ऐसे आए कि जिसमें उनको थोड़ा नीचे होना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं हम तो रिलेशंस चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़ना चाहते, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब क्या, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बड़ा बहुत ज्यादा सख्त हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया इंडिया की तरफ से, तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे या दूसरे कंट्रीज जो हैं, क्योंकि जाहिर है सर डॉक्टर साहब हम ये तो बात करते रहते कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशंस विद ऑल बैड रिलेशंस विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है, पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल
जो है ना ये सियासी हरकतें तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव ने ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ सारों की गुड रिलेशंस के लिए, और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको जेन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है, लेकिन सर ये जो आपने कहा, सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती डॉक्टर साहब तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते या हमें कुछ ऐसा नजर आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अरसे में हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर राम खान साहब, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्किंग, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क जिन्होंने अब ट्विटर जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती है, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानी खेज और बहुत enthusiastic tweet ki ke wo kitne enthusiastically he's looking forward to meeting Narendra Modi. Hamare haan leadership us waqt kya kar rahi thi, hamare haan jo political leaders hain ya mukhtalif apne apne mohalle ke leaders hain wo kya kar rahe hain, wo TikTok content creators से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान, ये हमारी 5 साला नहीं 10 साला आप छोड़ दें 5 महीने की आगे जो प्लान्स हैं वो इस पे उनका कुल उनका जो दायरा है बस इतना ही है, इतनी ही इनकी सोच यहीं तक पहुंचती है। हमारी जो तरजीहात है वही गलत है, हमारी तो जो तरजीहात है वो यही है कि कौन जेल में है, किसके जेल से एसी निकलवा दें, या किसकी जो अहलियां हैं उनको बिल्ले ना दें ईद पे। ये हमारी तरजीहात जो है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को रोकना, ये हम गलत, ये रास्ता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी इस पाकिस्तान की आज की इस पोजिशन को कंपैरिजन कर लें किसी भी खित्ते के मुल्क से, किसी भी खित्ते के मुल्क से। उसका रीजन है डॉक्टर साहब, देखिए मोहसिन बेग साहब ने कहा, मोहसिन बेग साहब ने कहा कि हमने जिनको हीरो बनाया या जिसमें हिस्सा डाला, तो मैं तो कम से कम मुतमईन हूं कि मैंने तो जब बहुत लोग पावरफुल थे तब उस जमाने में भी लिखा और आइडेंटिफाई किया। ये नहीं कहा कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, मैंने बताया कि कोई बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि जरूरियात ऐसी है। यानी कि यहाँ पे लीडर बनने का एक ही तरीका है, या आप दरबारी बिहेवियर करेंगे या आप बूट पॉलिश करेंगे, अपनी नजरियात पे खड़े ही नहीं रहेंगे और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने हल्का अहबाब जो है या मोहल्ला है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे।